हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही आसान तरीके से शादियों जैसा मटन कौरमा बना रहे हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए हम मटन कौरमा बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो मटन, दही, ये हमने पेस्ट रेडी किया है, इसकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और हमने लिए हैं ये 3 बड़े कटे हुए प्याज, धनिया पाउडर, नमक, चिल्ली पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट और काजू का पेस्ट। तो हम इस पतीले में पहले मटन डाल देते हैं। देखिए, मैंने तेल बिल्कुल नहीं डाला है। पहले हम मटन डाल देते हैं और फिर हम इसमें डाल देते हैं ये 3 बड़े कटे हुए प्याज। हमने मटन और प्याज पहले इसीलिए डाला है क्योंकि इसमें थोड़ा पानी होता है, मॉइस्चर होता है, तो पहले हम इसे इसका मॉइस्चर निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी पाउडर और अब हम डालते हैं इसमें सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और फिर इसे हम कवर करके रख देंगे सो दैट प्याज भी सॉफ्ट हो जाए और मटन भी सॉफ्ट हो जाए। हम इसे 20 मिनट्स के लिए कवर कर देते हैं। 20 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं अच्छा खासा स्टीम आ गया है इस पर और प्याज भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के मसाले। ये हमने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया पाउडर, चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, और जो हमने पेस्ट रेडी किया था वो भी हम इसमें डाल देते हैं। मैं पूरा नहीं डाल रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा है। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसे मिक्स कर लिया है। ये देखिए, सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये 1 बॉल तेल। नॉनवेज बनाने के लिए जनरली हमें तेल ज़्यादा लगता है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल ऑयल नहीं डाला था, हम अभी डाल रहे हैं सभी मसाले डालने के बाद। और एक बार और इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसे कवर करके रख देंगे नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए ताकि वो अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए, हमने 30 मिनट्स के लिए इसे बंद कर दिया था। अब हम इसे देखते हैं, इसका ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन मटन गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मुझे लग रहा है इसे और थोड़ा पकने की ज़रूरत है, इसलिए हम इसे और 10 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। अब आप 10 मिनट के बाद देख सकते हैं इसका ऑयल पूरी तरह सेपरेट हो गया है और ये ऑलमोस्ट पूरी तरह रेडी हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। मैं इसमें डाल देती हूँ दही, ये मैंने 3 टेबलस्पून दही डाल दिया है इसमें। और फिर अब हम डाल देते हैं इसमें काजू का पेस्ट। दही और काजू का पेस्ट आप लास्ट में ही डालोगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और 5 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए, बिल्कुल शादियों जैसा हमारा मटन कौरमा रेडी हो गया है। आप इसे बटर नान के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।